नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में कई टक्कर देखने को मिली। बेहद ही रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम एक विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। हालांकि टेस्ट मैच चार दिन में ही खत्म हो गया और मैच में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। दो मैचों की छोटी सीरीज में वेस्टइंडीज ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में अब सारी निगाहें सीरीज के दूसरे मैच पर लग गई हैं। सीरीज का दूसरा मैच 20 अगस्त से सबेना पार्क किंगस्टन में ही खेला जाएगा। पहले टेस्ट मैच की बात करें तो दोनों ही पारियों में पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने निराश किया था। पहली पारी में 217 रन, दूसरी पारी में टीम 203 रन ही बना सकी थी। जैडन सील्स ने वेस्टइंडीज के लिए 55 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वेस्टइंडीज की टीम ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में 203 रनों पर आउट किया, जिसके बाद दूसरी पारी में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 167 रनों का टारगेट मिला। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए 3 विकेट जल्दी निकाल दिए थे, लेकिन इसके बाद जर्मन ब्लैकवुड ने अर्धशतक जमाकर टीम को 6 विकेट पर 111 रन तक पहुंचा दिया। ब्लैकवुड ने 55 रनों की बेहद अहम पारी खेली। मैच बराबरी पर था, लेकिन चाय के ठीक पहले जेसन होल्डर आउट हो गए, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर 7 विकेट पर 114 रन हो गया। वेस्टइंडीज को जीत के लिए अभी भी 54 रन चाहिए थे और इसके सिर्फ 3 विकेट हाथ में थे। आखिरी सत्र में रोच ने जोशुआ डिसिल्वा के साथ 28 रनों की साझेदारी की। मैच के हीरो अनुभवी तेज गेंदबाज किमार रोच और युवा जैडन सील्स रहे, जिन्होंने आखिरी विकेट के लिए 17 रन की पार्टनरशिप कर वेस्टइंडीज को नामुमकिन लग रही जीत दिला दी। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन टीम को कुछ कैच छोड़ना भारी पड़ गया। अब पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट मैच में पहले टेस्ट मैच की गलतियों को नहीं दोहराना चाहेगी। टीम में कुछ बदलाव तय माने जा रहे हैं। ओपनर दोनों पारियों में फेल रहे थे, ऐसे में कुछ बदलाव बाबर कर सकते हैं। गेंदबाजी में यासिर शाह कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। नुमान अली को टीम में दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिल सकता है। मैच सबेना पार्क में ही है, इसलिए पिच से एक बार फिर गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी। पाकिस्तान की टीम हर हाल में ये मैच जीतना चाहेगी। ड्रॉ होने की सूरत में भी पाकिस्तान सीरीज हार जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।